कौन हो तुम लोग और ये हवेली को क्यों घूम रहे हैं? मैं बब्बन और ये हमारा इलाका है। ओए, तू यहाँ का कोई सरपंच है जो ये तेरा इलाका है? हैं? बड़ा है इलाके वाला। चलो भागो, चलो जाओ यहाँ से, चलो। देखो यहाँ हमारे साहब रहने आए हैं फैमिली के साथ। चलो अब निकलो यहाँ से, भागो, निकलो यहाँ से। चलो चलो मुस्कान, आ जा बेटा। एक मिनट रुक जाओ। आंटी कहाँ है? हाँ आंटी दिख नहीं रही हैं। मैं लगाता हूँ। हाँ हाँ साहब। क्या विक्रम, क्या समाचार है? हाँ मैंने देखा, कुछ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलो ये तो अच्छी बात है। ठीक है सर, जाओ तुम भी आराम करो। ओके। अदिति बेटा। जी मम्मी। बेटा ये मेरे कुछ गहने हैं, इसे अपने पास संभाल के रख लो ना। वो हमारे कमरे में अलमारी है पर वो बंद नहीं हो रही, उसकी चाबी नहीं है बेटा। कोई बात नहीं मम्मी, मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ, इसमें लॉक भी है। थैंक यू बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। अरे हाँ, हम लोग एक काम करते हैं, तुम इस तरफ देखना, मैं इस तरफ देखता हूँ। ठीक है। कौन है यहाँ पर? अनुज। कौन है? क्या हुआ बेटा? हाँ हमारे कमरे में कोई घुस आया था। हा? कमरे में यहाँ? पर बेटा यहाँ तो कोई नहीं है। बाबा मैं बाहर देखकर आता हूँ। संभाल के बेटा। हाँ माँ। विक्रम, विक्रम कौन है यहाँ? हाँ क्या हुआ साहब? विक्रम तुमने यहाँ पर किसी को देखा? यहाँ नहीं तो। विक्रम बंगले में चोर घुसा है। चोर घुसा है? कहाँ रहते हो तुम? बाबा। हाँ बेटा। बाबा बाहर तो कोई नहीं है। और ये क्या, ये कल्याणी कहाँ है? कल्याणी। भैया मैं यहाँ हूँ। कल्याणी कहाँ थी तुम? भैया मैं तो सो रही थी, मैंने कदमों और पायल की आवाज सुनी तो ऊपर जाकर देखा, बाकी सब तो सो रहे थे, लेकिन मुस्कान ना एक खिड़की की तरफ देखी जा रही थी। अनुज, अनुज! आया अदिति। चलिए जी। हाँ चलो चलो। क्या हुआ अदिति? अरे क्या हुआ बेटा? मम्मी मैं जब कमरे में आई ना तो दरवाजा खुला हुआ था और ये ज्वेलरी उसके अंदर थी। मम्मा। हाँ? पापा वो आंगरी अंकल मेरे रूम से भाग गए थे। क्या
एंग्री अंकल? चलो बेटा बेटा मुझे दिखाओ कहाँ थे वो, चलो, चलो। हाँ पापा चलो, चलो। आओ आओ चलो। यही है वो जगह जहाँ पे वो एंग्री अंकल आके चले गए थे। मुस्कान बेटा ये क्या कह रही हो? अदिति तुम बच्चों को लेकर माँ के साथ यहीं पर रहना, हम लोग नीचे जाकर देख कर आते। हाँ चलो। यहाँ से पापा ये तो बहुत सारे पैरों के निशान है, ये देखिए ये सीधा वो उस पेड़ तक जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई दिख भी तो नहीं रहा है। बेटा अपना कुछ नुकसान तो हुआ नहीं है और फिर कोई दिखाई भी तो नहीं पड़ रहा है ना, तो क्या करें, चलो चलते हैं। ठीक है बाबा। कैसा सिपाही है तू जो एक पेड़ पे नहीं चढ़ सकता? ए, ए, कौन है तू, यहाँ कैसे हैं? ए, 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 तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, देखो देखो गोली मत चलाना। गोली मत चला, क्या 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 भाई क्या ये तमीज कहीं? उदय ये लो बेटा। ठीक है लाओ मैं देती हूँ। ये लो मुस्कान। नहीं मुझे आंटी के साथ नाश्ता करना है। मुस्कान मुस्कान बेटा मुस्कान सुनो मुस्कान। नहीं मुझे आंटी के साथ ही खाना खाना है, मुझे आंटी के साथ ही खाना है। मुस्कान सुनो तो सही, मैं सिर्फ आंटी के साथ ही खाऊंगी। मुस्कान मुस्कान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो गेट पर होना चाहिए ना। आप लोगों ने गोली चढ़ने की आवाजें नहीं सुनी क्या? गोली? कौन सी गोली? कमाल है यहाँ इतनी गोलियाँ चल गई और आपने आवाजें नहीं सुनी। विक्रम विक्रम तुम मेरे साथ चलो, आओ आओ विक्रम तुम चलो मेरे साथ। क्या हो रहा है सर? पापा
विक्रम चलो चलो। नहीं नहीं, मुझे आंटी के साथ ही रहना है, और जब आप लोग नहीं होते तभी आंटी आती है। देखो मुस्कान, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अभी मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे आंटी के साथ ही खाना खाना है। चलो। नहीं, मुझे आंटी के साथ ही खाना खाना है। अनुज, हमें यहाँ और नहीं रहना, हमें यहाँ से जाना है बस। अनुज, हमारी खुद की बेटी मेरे हाथ से खाना खाने को तैयार ही नहीं है, किसी अजनबी औरत का इंतजार कर रही है वो। देखो आदिति, ये मैं भी जानता हूँ कि जब से हम लोग यहाँ पर आए कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना मिलकर मुस्कान से बात करते हैं, ठीक है ना? चलो आ जाओ, कम ऑन। मुस्कान बेटा, मुस्कान कहाँ गई? नहीं है, कहाँ गई है? ये तो वहाँ चला गया। मैं आपको आंटी से मिलवा चलो। मुस्कान, आज ना मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगी ना। अदिति मेरी बात सुनो, तुम उसे कुछ नहीं करोगी। अदिति मेरी बात सुनो, जब से यहाँ आया मेरे हाथ से बाहर निकल गई। अदिति बताती हूँ। अदिति देखो देखो, गुस्सा मत करना उस पर। बहुत हो गया आंटी आंटी का ड्रामा। अदिति मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अनुज बेटा जरा यहाँ ना प्लीज। उसको मारना मत। आया माँ? बोलो माँ। बेटा मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, जरा दबा देना। अभी दबा देता हूँ। या एक काम कर, कल्याणी को भेज दे, वो दबा देगी। बिल्कुल भेज देता हूँ। कल्याणी कल्याणी। आ गई बेटा, जरा पैर दबा दे बेटा, बहुत दर्द हो रहे हैं। कल्याणी आराम से बेटा, तोड़ेगी क्या? पैर पहले ही दुख रहे हैं। कल्याणी नहीं, कल्याणी छोड़, कल्याणी। कल्याणी छोड़। जिसे देखो मुझे देख कर डर जाता है। कल्याणी